खबर चंडीगढ़ से आई है और वो भी गुड न्यूज यहां पर आई है। आपको बता दें कि 2022 से देश में स्क्रैप पॉलिसी लागू है और चंडीगढ़ इसे बड़े सफल तरीके से अमल में ला रहा है। यहां पर 15 साल पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप तेजी से हो रहे हैं। यही नहीं, नई गाड़ियों पर स्क्रैप पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन में 25% की छूट है। यहां इलेक्ट्रिक और लो एमिशन गाड़ियों का प्रमोशन चल रहा है ताकि वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सफलता मिल सके। ये 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां हैं जिन्हें स्क्रैप करने का काम तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यहां इलेक्ट्रिक और लो एमिशन गाड़ियों का प्रमोशन चल रहा है, तो दूसरी ओर 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने का काम भी स्पीड में जारी है। चंडीगढ़ के लोग काफी ज्यादा अवेयर हैं और वो चाहते हैं कि जो उनकी व्हीकल्स हैं वो प्रॉपर वे में जो है वो स्क्रैप की जाएं, और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काफी इंसेंटिव दे रही है, तो उसको लेके भी लोग जो हैं काफी ज्यादा अवेयरनेस है। करीब 25% का जो डिस्काउंट है वो चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने जो है वो सुनिश्चित किया है, और चंडीगढ़ जो है इंडिया का पहला शहर है जहां पे 25% का जो डिस्काउंट है आरसी पे वो मिलना शुरू हो चुका है। इस साल अप्रैल 2023 से लगभग 4 महीनों में 230 गाड़ियों का स्क्रैप किया जा चुका है, जिसमें 200 गाड़ियां प्राइवेट हैं जबकि 30 कमर्शियल गाड़ियां हैं। इसके अलावा अगर सरकारी गाड़ियों के स्क्रैप की संख्या की बात करें तो पिछले 4 महीनों में लगभग 200 गाड़ियों को अभी तक स्क्रैप कर रिसाइकल किया जा चुका है। अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी सरकारी गाड़ियां जहां खत्म हो रही हैं, वहीं स्क्रैप की जाने वाली 15 साल से पुरानी गाड़ियों की लिस्ट भी बना ली गई है। अभी तक ऐसी 98 गाड़ियों की सूची बनाई गई है, इनमें 8 CTU की बसें भी शामिल हैं। इन गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी COD दिया जाएगा। वहीं शहर के लोगों के लिए ऑप्शनल है कि वो समय पूरा कर चुकी गाड़ियों को स्क्रैप कराना चाहते हैं या नहीं, साथ ही उन्हें स्क्रैप कराने पर उसी श्रेणी की नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए पुरानी गाड़ी का COD जनरेट करवाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आता है तो जब अपनी गाड़ी स्क्रैप के लिए देता है तो आप क्या उनको एक सर्टिफिकेट है वो भी इशू करते हैं, COD जिसे कहते हैं? यस, ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बनाया हुआ है। उसको पहले वाहन पे जाके एक ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करना है, वो फिलअप करने के बाद उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसी के थ्रू पेमेंट जाता है। ऑनलाइन ही पेमेंट जाता है, फिजिकल पेमेंट नहीं है। तो जैसे ही वो पेमेंट जाता है वो वहां से वाहन से ऑटोमेटिकली उसका जो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट है वो वहां से डाउनलोड हो जाता है। पुरानी गाड़ी का COD जमा करवाने पर मोटर व्हीकल टैक्स का भी प्रावधान है। रजिस्टर व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के तहत ये गाड़ी के मालिक को दिया जाएगा। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 25% की छूट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 15% की छूट दी जाएगी। नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में कई प्रकार के लाभ शामिल हैं, जिनके जरिए नई गाड़ियों का मूल्य कम हो जाता है। इसमें गाड़ी के मैन्युफैक्चरर द्वारा दी जाने वाली 5% की छूट और नई गाड़ी की खरीद पर 0 रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल है। इसके अलावा गाड़ी का मालिक नई गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस का 4-6% के बराबर स्क्रैप वैल्यू प्राप्त कर सकता है। पॉलिसी के तहत राज्य सरकारें निजी और कमर्शियल गाड़ियों पर रोड टैक्स को लेकर 25% और 15% तक छूट दे सकती हैं। ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज़ टुडे।